सही निकले. हाँ जी, थैंक यू कि मुझे आपने ब्यूटीफुल बोला. और यस, मेरे इरादे ब्यूटीफुल नहीं हैं क्योंकि मैं एक एंटागनिस्ट प्ले कर रही हूँ ये शो में, और मैं बदला लेने आई हूँ धरती लोक पर. तो मेरा बदला यही है कि मैं अर्जुन को पाना चाहती हूँ और यू नो मेरी शक्तियाँ डबल करना चाहती हूँ. पर अर्जुन नूरी से प्यार करता है और अर्जुन अमरोली गांव से प्यार करता है, तो वो मुझे मारने की कोशिश करता है. अर्जुन ये तो कातिलाना दुल्हन निकली, मतलब चाकू बता दिया. हाँ जी, ये बहुत बार मुझे मारने की कोशिश कर चुकी हैं, बहुत बार मार भी चुकी हैं, एक बार फिर मार दिया. बेसिकली हम लोग शो में एंटी प्ले कर रहे हैं, शी इज़ एंटागनिस्ट एंड प्रोटैगनिस्ट. तो वेर इन बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस आते हैं जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो कुछ ना कुछ क्लैश होता है, फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकल के आती है कि फिर हम दोनों एक दूसरे को मारने पीटने में आ जाते हैं. तो ये टॉम एंड जेरी हमेशा बहुत ही अलग था. आप दोनों शादी में और शादी कर रहे हैं और माला एक दूसरे के गले में है, मैंने वही नज़ारा बहुत अलग था सबके लिए एक्चुअली. अच्छा अच्छा. ऊपर से फिर आपने भी बदला लिया है शायद, खुशूर खुशूर आपने भी. हाँ, ज़रूरी था, एक्चुअली लिखा हुआ था ऐसा, तो करना पड़ा. और बुराई की हमेशा बुराई का अंत होता है. हाँ, बुराई का अंत होता है. अभी होगा कि नहीं पता नहीं, शो का तो थोड़ा डाइसी है. बदले आपके लेने बाकी हैं. अब तो चाकू भी घुसा दिया, त्रिशूल भी घुस चुका है, अब यही मेरा लास्ट बदला था. ये लास्ट ऑफ सीन की बात करें तो ये सीन करने में कितना, मतलब देखो ऑफ स्क्रीन तो हम मज़े लेते हैं, हम यू नो ज़्यादा इन्जॉयमेंट करते हैं, कॉमेडी करते हैं, क्योंकि ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है. तो एक फैंटेसी शो है, एक लाइक एनिमेटेड शो है, तो इसलिए हम थोड़ा सा मस्ती मजाक करते हैं. पर हाँ, जब एक्टिंग करनी होती तब हम लोग ऐसा बिलीव कर पाते ऑडियंस को कि यही सच है और यही रियलिटी है. तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं ऑफकोर्स. और आप 12-12 घंटे काम करते हो तो आपको एंटरटेन खुद को करना पड़ता है, लोगों के साथ रहना पड़ता है, यू नो हंसी मजाक, वरना डिफिकल्ट हो जाता है सबको. तो ऑफ स्क्रीन हम लोग जब कैमरा ऑफ होते तो हम सब काफ़ी इसका मजाक उड़ाते और मज़े से यू नो शूट करते हैं. स्पेशली मेहमान देखा था सेट पर आपकी मम्मा आई थी. हाँ, वो मेरी मॉम हमेशा आती रहती है, एज इन हफ्ते में एक दो बार आती रहती खाना लेकर, तो जिससे मुझे पता चलता है कि हाँ मैं एक ज़िंदगी जी रही हूँ. क्योंकि डेली सुबह आप 12-12 घंटे काम करते हो तो यू नो आप फैमिली को मिस करते हो, खाना मिस करते हो, तो मम्मी घर पे से खाना लेकर आती है. तो ये शो के बारे में आपको सुनाना चाहिए अपने घर वालों के, या क्या रिएक्शन आता है ये शो के देखने में? तो चीज़ें थोड़ी सी होती है, बट क्या उनका रिएक्शन? रिएक्शन अच्छा ही होता है क्योंकि हाँ फैमिली तो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है. ऑल विल फैमिली भी, और मुझे आज तक जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी, या मेरे जितने भी जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों से मैंने रिव्यूज़ लिए हैं, वो सारे रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पॉजिटिव आए हैं. एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अभी कुछ टाइम में हम लोग जाने वाले हैं, हम लोग अलविदा कहने वाले हैं आप लोगों से, बट फिर भी जब तक जाएंगे तब तक भी आपको बहुत सारे एंटरटेनमेंट देके जाएंगे. थैंक यू. चलते चलते उनके लिए एक तारीफ तो बचती है, बहुत लग रही है. वहाँ से ऑलरेडी इतनी सारी तारीफ़ें आती हैं, मेरी एक और तारीफ़ बहुत छोटी सी हो जाएगी, फिर भी आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं.